200 ग्राम बिल्कुलस पूरन को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। 200 लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 का 11वां मुकाबला शुरू हुआ। 200 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया निकोलस पूरन ने, जो कि राहुल की जगह कप्तानी कर रहे हैं। दोस्तों इन्होंने पहले बल्लेबाजी को चुना। केएल राहुल और उनके साथ क्विंटन डिकॉक ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई, लेकिन तभी एक और शॉट खेलने के चक्कर में केएल राहुल स्लिप में इस तरीके से कैच दे बैठे जॉनी बेस्टो को और अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इस मुकाबले में राहुल आउट हुए मात्र 15 रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद पदिकल आए तीसरे नंबर पर, बाहर जाती हुई गेंद पर एच दे बैठे और खुद कप्तान गब्बर धवन ने कैच को लपक लिया, जिस गलते 9 रन बनाकर देवदत्त पडिकल इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद अच्छी पारी खेल रहे थे क्विंटन डिकॉक, अर्धशतक लगा चुके थे, तभी इस तरीके से अंदर आती हुई गेंद पर मार्कस स्टोइनिस, जो कि नए बल्लेबाज से पढ़ नहीं पाए और हो गए क्लीन बोल्ड, जिस गलते मार्कस स्टोइनिस भी 19 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। तब जाकर मैच को फिनिश करने के लिए आए निकोलस पूरन और यहां से पंजाब की किस्मत हुई खराब। निकोलस पूरन ने आते ही मैदान पर चौके और छक्कों की ऐसी लड़ी लगाई जिसे देखकर सब हैरान हो गए। 200 के स्ट्राइक रेट से निकोलस पूरन ने मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की। 200 हर कोने पर छक्का, हर कोने पर चौका जड़ा निकोलस पूरन ने। 42 रन लगा दिए थे निकोलस पूरन ने सिर्फ 21 गेंदों पर, तभी रबाड़ा की और गेंद पर एक और लंबा छक्का लगाने के चक्कर में हो गए इस तरीके से बोल्ड। 200 पूरन ने 42 रन लगाए, 21 गेंदों में 3 छक्के व 3 चौके जड़े, जिस गलते 199 रन तक लखनऊ की टीम पहुंच पाई और पंजाब को मिला टारगेट 200 रन का। लेकिन दोस्तों पूरन की इस पारी को 10 में से कितने नंबर दे। 200 ग्राम विवेन गणेश अय्यर को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। 200 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2023 का 10वां मुकाबला समाप्त हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग कोहली के 83 रनों की पारी के चलते 182 रन आरसीबी ने ठोक दिए स्कोरबोर्ड पर। ऐसे में 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर को 47 रनों की ताबड़तोड़ की पारी खेलकर नारायण ने शुरुआत दिलाई, तो फिल साल भी 30 रन बनाकर आउट हुए। जब ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर 80 रन बनाकर पवेलियन छोड़ चुके थे 6 ओवर में, लगभग 80% मुकाबला यहीं समाप्त हुआ था। लेकिन सोने पर सुहागा केकेआर की तरफ से आए वेंकटेश अय्यर, और आते ही वेंकटेश अय्यर ने अपनी बेहतरीन शानदार जानदार व क्लासिक बल्लेबाजी का उभारण मैदान पर दिखाया। 200 मैदान के हर कोने पर चौका और छक्का लगाया वेंकटेश अय्यर ने। 200 आप सभी को बता दें, इसी सिंगल के साथ वेंकटेश अय्यर ने मात्र 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 200 काफी अच्छी पारी खेल रहे थे, जैसे इन्होंने अर्धशतक लगाया एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यश दयाल की इस गेंद पर किंग कोहली के हाथों में मार बैठे गेंद, जिसके चलते शानदार पारी समाप्त हुई। 250 रन बनाकर 30 गेंदों में वेंकटेश अय्यर आउट हुए और उसके बाद केकेआर ने 7 विकेटों से 16वें ओवर में इस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन दोस्तों अब अय्यर की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे। 200 ग्राम भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। 200 विराट कोहली ने एक और बार अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आरसीबी की डूबती हुई इज्जत बचाई। 200 आज कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में आईपीएल 2024 का 10वां मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। 200 आरसीबी की तरफ से शुरुआत खराब रही, जहां डुप्लेसी 8 रन बनाकर ही आउट हुए। उनके बाद कैमरॉन ग्रीन 33 और मैक्सवेल 28 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन पहले सलामी बल्लेबाज भारतीय टीम के किंग कोहली मैदान पर अभी भी जुटे हुए थे। दोस्तों शुरुआत में तो इन्होंने थोड़ी सी धीमी पारी खेली, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया। दोस्तों हम सभी को बता दें, विराट कोहली ने इस मुकाबले में पहले तो अपना अर्धशतक पूरा किया 30 गेंदों में, लेकिन उसके बाद इन्होंने अंत तक बल्लेबाजी की। 200 विराट कोहली ने इस मुकाबले में 83 रनों की पारी खेली 59 गेंदों में, 4 छक्के व 4 चौके लगाकर और आरसीबी को 182 रन तक पहुंचाया। जहां आरसीबी 150 रन तक नहीं पहुंच पा रही थी, वहां 180 रन तक विराट कोहली की पारी की बदौलत आ गई। लेकिन अंत में केकेआर की टीम ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया। लेकिन दोस्तों आप विराट कोहली की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। 200 अगर आप बिसुनील नारायण को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। 200 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2024 का 10वां मुकाबला समाप्त हुआ। 200 इस मुकाबले में विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए खेली 83 रनों की पारी 59 गेंदों में और आरसीबी को पहुंचाया 182 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करते हुए गौतम गंभीर ने फिल साल्ट और सुनील नारायण को वापस से सलामी बल्लेबाज बनाकर भेजा और सुनील नारायण ने कर दिया अपना काम। दोस्तों आप सभी को बता दें, सुनील नारायण ने आता ही ताबड़तोड़ मैदान पर चौकों और छक्कों की लड़ी लगाकर रख दी। 200 मैदान के चारों कोनों पर छक्के और चौके लगाए। 200 पुरानी बल्लेबाजी की याद दिलाई सुनील नारायण ने। मैदान पर इतने चौके और छक्के जड़े कि पूरी आरसीबी की टीम पावर प्ले में ही हिल गई और 6 ओवर में 82 रन बन गए। 200 इस मुकाबले में 47 रनों की पारी खेली सुनील नारायण ने सिर्फ और सिर्फ 22 गेंदों में, जिसमें से नारायण ने 5 छक्के व 2 चौके लगाए। अंत में आग और मयंक अग्रवाल की इस गेंद पर बोल्ड हुए, लेकिन जिस काम के लिए उनको भेजा गया था वो काम उन्होंने बाखूबी किया। 247 रन एक गेंदबाज के तौर पर आकर लगाए, वो भी 22 गेंदों में, और यही मुकाबले को बदल दिया, जिसके चलते काफी आराम से केकेआर की टीम इस मुकाबले में जीत गई। लेकिन दोस्तों अब गौतम गंभीर और सुनील नारायण की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कौन बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।
200 अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। 200 आज कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में आईपीएल 2024 का 10वां मुकाबला शुरू हो चुका है। 200 केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया क्योंकि चेन्नई स्वामी का यह मैदान था, जिसके चलते फफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ने शुरुआत अच्छी दिलाई। लेकिन तभी अनुकूल रॉय की इस गेंद पर टॉप एज बैट इस तरीके से फफ डुप्लेसिस और पीछे स्टार्क ने लेग स्लिप पर कैच को लपका, जिसके चलते 8 रन बनाकर फफ डुप्लेसिस आउट हुए। 200 के बाद कैमरॉन ग्रीन को उतारा गया 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए और उन्होंने आते ही अपनी इनिंग की शुरुआत चौके से की। 200 फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली के बीच में अच्छी साझेदारी हो ही रही थी, दोनों काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली देखते ही देखते अच्छी लय में आ रहे थे और अपने 50 रन तक पहुंच चुके थे, लेकिन कैमरॉन ग्रीन 33 रन बनाकर रसल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और हो गए क्लीन बोल्ड। 21 गेंदों में 33 रन बनाकर कैमरॉन ग्रीन इस तरीके से 33 रन बनाकर कैमरॉन ग्रीन आउट हुए। 200 के बाद मैदान पर आए रजत पाटीदार कोहली का साथ देने के लिए। 210 ओवर के बाद 90 रन स्कोर हो चुका है आरसीबी की टीम का। लेकिन 200 विराट कोहली की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब कौन जरूर बताएंगे। 200 अगर आप भी संजू सैमसंग को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। 200 राजस्थान रॉयल्स के 185 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली की तरफ से मिचेल मार्च और डेविड वार्नर, लेकिन आते ही नाइक बर्जर ने इस तरीके से मिचेल मार्च को चारों खाने चीत करते हुए बोल्ड कर रख दिया, जिस गलते मिचेल मार्च आउट हुए 23 रन बनाकर 12 गेंदों में। ऐसे में उनके बाद बल्लेबाजी करने आए रिकी भ्यू, लेकिन आधे ये भी टॉप एज बैट अपनी गेंद का और 0 रन बनाकर आउट हुए। ना जाने क्या सोचकर प्रीति सॉ को लिया था इनकी जगह। 200 आप सभी को बता दें उनके बाद डेविड वार्नर भी बाहर जाती हुई गेंद पर 49 रन पर ऐसे बैठे और पीछे कैच लपक ली गई, अर्धशतक भी पूरा नहीं कर पाए डेविड वार्नर 49 रन बनाकर 34 गेंदों में आउट हुए। 200 उनके बाद इस तरीके से अभिषेक पुरेल भी बाहर जाती हुई गेंद पर चहल की सीधा हाथों में मार बैठे गेंद, जिसके चलते 9 रन बनाकर अभिषेक पोरेल भी आउट हुए। लेकिन अब दिल्ली के कप्तान ने दिल्ली का हाथ छोड़ दिया तब दिल्ली डूब गई। ऋषभ पंत भी बाहर जाती हुई गेंद पर चहल की एज देकर सैमसंग को कैच से बड़े सरिये से 28 रन बनाकर आउट हुए। 200 जैसे तैसे टिस्टन स्टब्स आए बल्लेबाजी करने के लिए और अच्छी बल्लेबाजी कर भी रहे थे, लेकिन टारगेट 185 रनों का था और गेंदें काफी ज्यादा कम थी। 200 जैसे जैसे आ गया अंतिम ओवर में मुकाबला, जहां 6 गेंदों पर 17 रनों की दरकार थी। अक्षर पटेल और टिस्टन स्टब्स बल्लेबाज से आवेश खान ने सिर्फ 3 ही रन दिए, कड़क 4 यॉर्कर रखे, जिसके चलते 12 रनों से राजस्थान ने मुकाबला जीत लिया। जी हां 200, अंतिम ओवर में 17 रन नहीं लगा पाई दिल्ली की टीम और लगातार अपना दूसरा मुकाबला हार गई, जिसके चलते राजस्थान ने अपना दूसरा मुकाबला जीतते हुए 12 रनों से जीत को दर्ज कर लिया। लेकिन 200 आप राजस्थान की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। 200 अगर आप विरियान पराग को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। 200 आज राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आईपीएल 2024 का 9वां मुकाबला समाप्त हो चुका है। 200 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम। 200 राजस्थान की शुरुआत खराब रही, जयसवाल 5 व बटलर 11 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके बाद संजू सैमसंग आए। संजू सैमसंग भी कप्तान 15 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद मैदान पर आए रियान पराग और रियान पराग ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। 200 राजस्थान ने नंबर 4 पर भेजा था रियान पराग को और उससे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी रियान पराग ने की। 200 आप सभी को बता दें इस मौके को लपकते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी की रियान पराग ने इस मुकाबले में तूफानी चौके छक्के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बावजूद भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर आतिशी छक्के लगा रहे थे रियान पराग और अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर चुके थे। 200 अब इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि राजस्थान को एक बड़े टोटल तक पहुंचाए और गेंदें अभी भी 20 बाकी थी, जिसके चलते और भी तूफानी बल्लेबाजी की रियान पराग ने। 200 अंत तक पराग ने बल्लेबाजी की 84 रन ठोक दिए 45 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 6 छक्के।